कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते श्याम साह मेडिकल कॉलेज के डीन मनोज इंदुलकर से कोरोना की वास्तविकता जानने के लिए पहुंचे पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ उनसे मुलाकात की और ये सुझाव दिया कि यदि कोविड किसी को हो जाए तो उन्हें डराने का प्रयास न किया जाए, उनका उत्साहवर्धन करें, उनका प्रॉपर एक्सरे कराएं। वहीं पूर्व विधायक द्वारा आरोप लगाते हुए कहा कि जरूरत पड़े तो बाहर की दवाई दें। उन्होंने कहा कि चूंकि सरकारी दवाई नकली आ रही है और वहीं मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर इंदुलकर ने बन्ना जी की बात को ध्यान में रखते हुए हॉस्पिटल कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश दिए। आइए सुनते हैं पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना द्वारा मीडिया को दी गई जानकारी। लगा कि अरे यहाँ ये नहीं हो रहा है तो निकल जाता था, वो नहीं निकलता, वहाँ बेड ही नहीं था। आज तो बनारस से इलाहाबाद आज मैं संजय गांधी अस्पताल डीन से मिलने इसलिए गया था, वैसे तो मैं सदैव अस्पताल जाता हूँ पेशेंटों से मिलने, अस्पताल में बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन जो 4-6 दिनों से फ़ोन के माध्यम से और वहाँ की जो तड़पड़ाहट मरीजों की फ़ोन से आई या उनके परिजनों की आई कि कोरोना में जो पेशेंट एडमिट हैं उनको समुचित इलाज नहीं मिल रहा है, ये वो, इन सब बातों को लेकर के मुझे ऐसा लगा कि मुझे डीन से बात करनी चाहिए। मैं डीन से गया, उनसे बात किया कि भाई ये स्थितियाँ कि मतलब कोरोना में किसी को गैस ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है तो दवा नहीं मिल पा रही है, नहीं लग पा रही है, और उधर उनका एक्सरे नहीं हो पा रहा है और कोई समुचित वहाँ पर जा कर के वो नहीं हो रहा है। इन सब मुद्दों पर हमारी उनसे विधिवत चर्चा हुई और उनको मैंने सुझाव भी दिए कि आप जितने पेशेंट हैं आप खुद मॉनिटरिंग करें जा कर के सुबह और शाम, और जिनका एक्सरे ना हुआ बिना एक्सरे का किसी पेशेंट को एडमिट करें, एक्सरे उनको करवाएं और उनको उपलब्ध और भी जो सुविधाएं, खास करके मरीजों को उत्साहवर्धन कि कोरोना एक भयावह बीमारी न बता करके एक जिस तरीके से आम पेशेंट एडमिट होता है उस तरीके से आप उनसे ट्रीट करें। और मेरा आपके माध्यम से मरीजों से भी अनुरोध है कि ज़्यादा हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, पिछले वर्ष भी कोरोना आया था, इस वर्ष भी है, लेकिन जिस तरीके से हतोत्साहित लोग हो रहे हैं बड़ी इसकी स्थिति खराब है, तो हमारा आप सबसे के माध्यम से अपील है कि लोग हड़बड़ाएँ नहीं और स्वयं मरीज अगर अपना स्वयं एक्सरे करा करके अस्पताल पहुंचेंगे तो और ज़्यादा ठीक रहेगा। और बाकी इन सब मुद्दों पर हमारी चर्चा हुई और इंदुलकर ने सुझाव को स्वीकार भी किया है, तत्काल उन्होंने आर्डर भी दिया कि हम उत्साहवर्धन के लिए और मरीजों के एक्सरे के लिए मैंने किया। एक महत्वपूर्ण सुझाव उन्होंने उनको मैं भी दिया कि जो अस्पताल की दवाएँ वो कारगर नहीं है तो आप जो बाहर मेडिकल स्टोर में है वो दवा जरूर करने में कंजूसी ना करें, अगर वो दवाई बाहर से मंगा करके जो मरीज कर रहे हैं उनको लाभ मिल रहा है, इसलिए मैंने उनको ये बात का विशेष सुझाव दिया है। आज आपदा प्रबंधन बिल्कुल केस बढ़ेंगे जब इसका कोई समुचित लाभ, मैं इसीलिए तो आज डीन ऑफिस में गया कि वहाँ की स्थितियाँ क्या है, क्या कारण है कि इस तरीके की बातें, लेकिन वहाँ पर कोई इलाज तरीके का हो ही नहीं रहा है, जाँच किस तरीके की, ना कोई गैस की व्यवस्था ना कोई, वो इसी मुद्दे पर तो लेकर के आज हम गए थे वहाँ पर। शासन प्रशासन पूरा